बाहरी दिल्ली के नरेला में सरेआम बाल मजदूरी व एनजीटी के कानूनों को दिखाया जा रहा है ठेंगा। एनआईए थाना क्षेत्र गांव भोरगढ़ महावीर कॉलोनी के साथ सरकारी जगह डीडीए की जमीन पर हजारों टन दाल के कचरे को किया जा रहा है साफ। इस कार्य में बचपन को तो तबाह किया ही जा रहा है, साथ ही साथ कचरे से उड़ने वाली डस्ट सभी को बीमारी बांट रही है। आखिर सरकारी जगह पर अधिकारियों की देखरेख में कैसे पनप रहा है अवैध कचरे का कारोबार, देखें पूरी खबर। नाम क्या बेटा आपका? सलीम। पढ़ते हैं आप कौन सी में? सातवीं में। बेटा आप ये गंदा काम क्यों कर रहे हैं? आप ये आपको पता है ये बीमारी लग सकती है, आपको पता है ना आपको, फिर क्यों करते हैं आप ये? कितने पैसे मिलते हैं आपको? पैसे नहीं, मेरा अपना कारोबार है। अच्छा, तेरा अपना काम है ये? हाँ, मेरी मम्मी का अपना कारोबार है। अच्छा, आपको ये दिखाई नहीं, इतना जो है गंदा काम है ये, इसकी धूल जो इस बच्चे को मार देगी ये नहीं नज़र आता आपको? अगर इसको अस्थमा की बीमारी होगी या कुछ और हो गया तो वो आपको नज़र नहीं आता? आप इतना गंदगी का काम यहाँ जो कर रहे हैं, ये जगह घेरने के लिए आपको किसने कहा है? सरकारी जगह है ना ये? हैं, फिर सरकारी जगह पे आप ये काम कर रहे हैं? आपको रोकने के लिए कोई नहीं आता? जब से कोरोना हुआ है ना, हाँ, जब से कोई नहीं आते हैं। अच्छा, हाँ। पहले पैसे लेते थे? हाँ, 200 रुपया पहले। और डीडीए वाले? डीडीए वाले नहीं आते हैं। इकट्ठे किस चीज़ के हैं ये ऑर्डर? क्या तुम्हारी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है तुम्हारी? 16 साल। मालिक कौन है यहाँ पे? मालिक हो गया। ये क्या कर रहे हैं इसमें? इसमें दाल। कहाँ से? ये घास किसान से और कहाँ से लाता है तुम जानते? ये जगह किसकी है? ये जगह तो किराया पर नहीं रखा। ये सरकारी जगह को? क्या काम करते हैं आप ये? कुछ नहीं, गाय का डांगर। क्या खिलाने? ये जगह किसकी है? ये सरकारी जगह। सरकारी जगह, और सरकारी जगह पे आपने इतना जो है मलबा डाल रखा है? ये धूल मिट्टी है, ये तुम्हें डस्ट है, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, मासूम बच्चे ये कर रहे हैं, ये इनको परेशान नहीं कर रहे? ये नाबालिग बच्चा ये जो बैठा हुआ है, ये स्कूल ही नहीं जाता सर। स्कूल नहीं जाए तो उसको जो है गंदगी के काम में लगा दोगे? तो यहाँ सरकारी जगह पे कोई रोकता नहीं है? नहीं, ये तो मैं इसे लाम रखे थे 1-2 महीने के लिए लॉकडाउन में। नाम क्या है? नाम सन्नी। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरा? हाँ, 12 साल। 12 साल। तुम्हारा क्या नाम है? कितनी उम्र है बेटा तुम्हारी? 13 साल। अब आप देख रहे हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पर जिनकी उम्र स्कूल जाने की है, आज वही बच्चे यहाँ पर इस कार्य के अंदर लगाए गए हैं। गांव भोरगढ़ महावीर कॉलोनी के साथ में यहाँ पर ये दाल मिल से उठाया हुआ चूर्ण है और उसको लाकर यहाँ पे साफ कर कर दाल को बाजार में बेचा जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ इतना डस्ट है, और जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ सभी लोग यही कार्य कर रहे हैं। यहाँ कोई किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है, और कितना यहाँ पर गंद है आप वो भी देख सकते हैं, जबकि एनजीटी का सख्त आदेश है वो इस तरह का कार्य यहाँ पर नहीं किया जा सकता, लेकिन बावजूद उसके फिर भी इस कार्य को किया जा रहा है। नाबालिग बच्चे और महिलाएं इस कार्य में लगाए जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं ये चीज़ें यहाँ पर, ये चीज़ें यहाँ पर जो है पड़ी हुई है, और जब यहाँ से गाड़ियाँ निकलती है तो ये उठकर घरों तक पहुँचता। और अभी जैसे आपने देखा यहाँ मासूम बच्चे भी यहाँ खड़े हुए थे और महिलाएँ भी यहाँ लगी हुई हैं, तो यह कहीं ना कहीं सभी की ज़िंदगी को दाव पर लगाकर ये कार्य किया जा रहा है। जबकि ये डीडीए की सरकारी जगह है और उसको यहाँ पर घेर कर उसमें यह कार्य किया जा रहा है।